अस्सलाम वालेकुम दोस्तों फारुख। अच्छा, ये एक कॉन्सेप्ट है कि अब जो कुछ भी हम सोचते हैं वो बॉडी एग्जीक्यूट करती है। ये असल में वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए शायद वो पूरी नहीं पहुंचती, इसलिए मैं शॉर्ट शॉर्ट बताऊंगा कि हम दिमाग में सोचेंगे कि इसको घुमाना है तो ये घूमेगा। मतलब इसको कहेंगे आप दायरे के अंदर या अपने हैंगिंग पोजिशन दायरे में बनाओ तो ये दायरे के अंदर घूमेगा। इसको कहेंगे कि भाई आप आगे टू एंड फ्रो जो पेंडुलम लाइक मूव करो ये वैसे करेगा। हम इसको बोल के कर लें या सोच के कर लें, दोनों सूरतों में ये काम करता है। और ये किसी किस्म की कोई रेटिंग वीडियो नहीं है कि इसके अंदर मैं कोई इसको हाथ से ऐसे ऐसे पकड़ के हिला रहा हूँ। ये अपनी जगह स्टेबल है यहाँ पर और ये सिर्फ सोचें हर कोई कर सकता है। आप खुद अपना धागा में बैलेंस करके कोई चीज़ बांध लें, कोई भी चीज़, ज़रूरी नहीं कि लाइटर हो वो, और उसको बोलें कि ये करें। लेकिन टारगेट ये होगा कि दिमाग के अंदर सोचना है, ठीक है, क्योंकि दिमाग में जो ख्यालात जो जो चीज़ें हम सोचते हैं वो बॉडी एग्जीक्यूट करती है, बॉडी के सेल्स। तो ये उसका एक्सपेरिमेंट है और ये उसका प्रूफ है कि ये एक दो वीडियोस मैंने देखी थी तो ये पर्सनली मैं अब करके देख रहा हूँ इसको। ये मेरी कोई ईजाद नहीं है, लेकिन किसी की वीडियो देखी थी, उसने ये दिखाया था तो उसको प्रैक्टिकली किया तो ये वाकई काम करता है, ठीक है। तो मैंने कहा दोस्तों से भी शेयर कर लेते हैं। अब इसको हम जो है स्टेबल कर लेते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती तो फिर हो जाती नहीं। ये लाइटर थोड़ा सा लंबा है इसलिए इसको सर्किल के अंदर थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो इसको हम पहले ये बोलेंगे कि भाई ऐसा करें थोड़ा स्टेबल हो जाए। हाँ लाइटर साहब, पेंडुलम की तरह ज़रा आगे पीछे मूव करें और तेज़ मूव करना ज़रा। पेंडुलम की तरह, जी, घड़ी के पेंडुलम की तरह ऐसे थोड़ा तेज़ हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। पेंडुलम की तरह मूव करें, रुके नहीं, हाँ पेंडुलम की तरह मूव करें और ज़रा तेज़ करें तो अच्छा है। थोड़ा तेज़ करें, थोड़ा स्टेबल हो जाए तो पेंडुलम की तरह मूव करना है आपने, जी ऐसे पेंडुलम की तरह। लेकिन अभी थोड़ा तेज़ करें, हाँ थोड़ा तेज़ बढ़ाएं अपने आप को ना, दोस्तों को नज़र आना चाहिए ना। ये हम सोच रहे हैं खाली, ये भी इसको सिर्फ कहा है।